तो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल बैंकर से स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको SBI PO की एकदम लाइव सैलरी स्लिप दिखाने वाले हैं कि SBI PO को कितना सैलरी आप लोग को इन हैंड मिल पाता है। और सैलरी जो स्लिप आपको हम दिखाएंगे वह आपको सैलरी एकदम करंट मंथ यानी आपको मार्च 2024 जो कि पिछला महीना आपको ख़त्म हुआ है उसी का मार्च 2024 का आपको सैलरी स्लिप आपके सामने दिखाएंगे, जो कि एकदम आपको SBI के द्वारा जो सैलरी स्लिप दिया जाता है वही है। और मार्च महीना का दिखाएंगे एकदम लेटेस्ट सैलरी स्लिप, कितना आपको बेसिक पे मिलता है, कितना आपको डिडक्शन होता है, मतलब क्या क्या चीज़ का डिडक्शन होता है, कितना आपको अवार्डनेस मिलता है, टोटल आपको इन हैंड आपको सैलरी हाथ में कितना मिल पाता है, सभी की बातें आपको इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपको इन हैंड सैलरी जो है कितनी मिल पाती है। और बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम के रिलेटेड सभी अपडेट आपको A to Z इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचते रहेगी, कब नोटिफिकेशन आता है, कब क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है, सभी की जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डाले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको सैलरी स्लिप जो SBI PO की सैलरी जो होती है इनहैंड सैलरी कितनी मिल पाती है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपको सैलरी स्लिप एकदम ओरिजिनल सैलरी स्लिप आपको लाइव आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसा आप हल्का राइट साइड में ऊपर की तरफ आप गौर कीजिएगा तो आपको मार्च 2024 यानी पे स्लिप जो है यानी सैलरी स्लिप जो है या मार्च 2024 का सैलरी स्लिप है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बोल दिया था। उसमें फिर आपको बात आती है कि आपको टोटल अर्निंग की हम बात करें, टोटल अर्निंग आपको कितना हो पाता है। तो हम सबसे पहले अर्निंग की बात करें तो बेसिक पे के अकेले हम आपको बात करें तो बेसिक पे के आपको 56,480 रुपये यानी 56,480 रुपये आपको बेसिक पे देखने को मिल जाता है। वही फिर DA यानी डियरनेस अलाउंस की बात करें तो आपको 11,372 रुपया 35 पैसा यानी 11,372 रुपया 35 पैसा आपको डियरनेस अवार्डनेस देखने को मिल अलाउंस मिल जाता है। फिर बात करें आपको सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस की, मानो तो आपको 2300 यानी 2300 आपको देखने को मिल जाता है। फिर एरियर ऑफ अर्निंग अलाउंस की बात करें आपको तो 89,131.71 पैसा आपको देखने को मिल जाता है। फिर आपको लर्निंग अलाउंस की बात करें तो यानी 850 रुपये आपको 850 रुपये आपको देखने को मिल जाता है। फिर स्पेशल अलाउंस की बात करें तो आपको 14,967.20 यानी 14,967.20 पैसा आपको देखने को मिल जाता है। यानी टोटल यदि आप अर्निंग को जोड़ेंगे बेसिक पे जो आपको मिलता है, बेसिक पे डियरनेस अलाउंस, सिटी अलाउंस, अपेयर अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, स्पेयर अलाउंस, टोटल आप जो जोड़िएगा तो आपको इन हैंड आपको जो देखिएगा तो आपको मिलेगा 1,75,101.26 रुपया आपको देखने को मिल जाएगा। तो यानी ये हो गया टोटल आपको अर्निंग की बात हो गई। अब बात करते हैं कि आपको अर्निंग के बाद जो डिडक्शन होता है वो डिडक्शन कितने का होता है। तो डिडक्शन में सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा एक्सपीरियंस PF कॉन्ट्रीब्यूशन जो आपको होता है वह 5,648 रुपया कटता है यानी 5,648 रुपया आपको कटने को देखने को मिल जाता है। फिर प्रोफेशनल टैक्स की बात करें तो 200 रुपया कटता है, 200 रुपये आपको प्रोफेशनल टैक्स कटने को देखने को मिल जाता है। फिर टैक्स डीलिंग ड्यूरिंग मंथ आपको 29,158 रुपये यानी 29,158 रुपया आपको डिडक्शन देखने को मिल जाता है। फिर हाउस रेंट आपको रिकवरी का जो होता है 104.44 रुपया यानी 104.44 पैसा आपको देखने को मिल जाता है। फिर फेस्टिवल एडवांस में आपको 7600 यानी 7,600 आपको देखने को मिल जाता है। फिर यूनियन एसोसिएशन मेंबरशिप SBI ऑफिसर एसोसिएटेड हैदराबाद में आपको 300 रुपया देखने को मिल जाता है। फिर आपको BFEFE PF अपेयर्स में आपको 11,523 रुपया यानी 11,523 रुपया आपको देखने को मिल जाता है। फिर इधर हम बात करें कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड में आपको 8,583 रुपया यानी 8,583 रुपया देखने को मिल जाता है। ये हो गया आपको टोटल डिडक्शन। यदि आप टोटल डिडक्शन को जब जोड़िएगा तो आपको आएगा 63,126.44 पैसा यानी टोटल अर्निंग आपको कितना हो गया था, टोटल अर्निंग हुआ था आपको 1,75,101.26 रुपया और टोटल आप डिडक्शन में देखिएगा 63,126.44 पैसा यानी जब आप टोटल अर्निंग में से टोटल डिडक्शन कटाइएगा यानी 1,75,101.26 पैसा में से जब आप 63,126.44 पैसा जब आप कटाइएगा तो टोटल आपको इन हैंड जो आपको हाथ में सैलरी मिलता है वो मिलता है
है आपको 1,11,975 रुपये आपको इनहैंड सैलरी देखने को मिल जाती है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी सैलरी, बहुत अच्छी सैलरी आपको देखने को मिल जाती है। ये सैलरी दोस्तों ये आपको SBI PO की सैलरी जो है आपको इनहैंड 1,11,975 रुपया इनहैंड आपको सैलरी मिल जाती है। और ऐसे ही अपडेट के लिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि और ऐसे ही अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जाना करना नहीं भूलिएगा। चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अपडेट के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।